हेलो एवरीवन, बीएससी सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं। यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। पिनेकोल क्या है? पिनेकोल पिनेकोलोन पुनः व्यवस्थापन, इसे हम देखेंगे। क्वेश्चन है पिनेकोल क्या है, पिनेकोल पिनेकोलोन पुनः व्यवस्थापन को समझाइए। पूर्ण विस्थापित 1,2-diol जैसे 2,3-dimethyl, 2,3-butane, diol आदि को पिनेकोल कहते हैं। पिनेकोल को खनिज अम्ल जैसे HCl के साथ क्रिया कराए जाने पर यह निर्जलीकरण तथा पुनः व्यवस्थापन से कीटोन देता है। ये सभी क्रिया को पिनेकोल पिनेकोलोन पुनः व्यवस्थापन कहते हैं। हम रिएक्शन देखते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। पिनेकोल क्या है? पिनेकोल का आपको सूत्र याद रखना है, CH3 दो कार्बन जोड़े हैं, इनसे नीचे दो OH जोड़ देने, ऊपर CH3 जोड़ देने। 2,3-dimethyl, 2,3-butanol, ए है क्या? पिनेकोल। पिनेकोल जब हम इसका अपचयन करवाते हैं H+ आयन के साथ तब क्या होता है कि जो H+ आयन है SOH के साथ मिलकर H2O बाहर निकाल देता है, और जो इस पर प्लस चार्ज आ जाता है, ये हम अभी मैकेनिज्म समझाएंगे। क्रियाविधि बिल्कुल सिंपल क्रियाविधि है, आपको वो भी लिखनी होगी पेपर में। इसमें क्या बन जाता है, इस कार्बन के साथ 3 CH3 जुड़ जाते हैं, यह एक प्रकार का कीटोन बन जाता है जिसे हम पिनेकोलोन कहते हैं। इसकी हम क्रियाविधि देख लेते हैं। तो ये पिनेकोल है, पिनेकोल की जब हम H+ आयन के साथ होती है तो ये H+ आयन हमने बताया था कि एक इससे SOH के साथ जुड़ जाता है, इस वाले OH के साथ, तब ये OH2 बना लेगा और इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। अभी OH2 बाहर निकल जाएगा, तब इस जो कार्बन है जो ये, इस पर भी प्लस पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो जो ये CH3 है ये आकर इससे जुड़ जाएगा, CH3 इससे जुड़ेगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पर। तब क्या होगा कि जो OH है इस पर भी प्लस चार्ज होगा, तब इससे H निकल जाएगा बाहर, तब क्या बनेगा, CH3CO CH3 का होल थ्राइस। इसे हम पिनेकोलोन कहते हैं। एक क्रियाविधि बिल्कुल सिंपल है, इसे आपको देख लेनी है। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।